स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास दसवीं का जो सामाजिक विज्ञान है उसका सेट नंबर टू आप कह सकते हैं। और सेट नंबर टू में जो आपका क्वेश्चन होगा वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्वेश्चन सभी क्वेश्चन VVI है, और लास्ट तक देखिए इसको और नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर अभी तक आपने जे गाइड विथ एडम सर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, ठीक है। तो आपको बताना है, कहता है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से भारत से बेहतर है, मतलब कि उसकी स्थिति भारत से बेहतर है, आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। बट अभी अभी के हालात के अनुसार तो श्रीलंका इसका सही आंसर है, बट श्रीलंका नहीं होगा अभी के हालात के अनुसार, ठीक है। लेकिन आपके जो किताब के अनुसार अगर चलते हैं तो आपका श्रीलंका ही होगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है। तो आप बताइए कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति की आय अधिक होगा वह क्या कहलाएगा, विकसित देश या विकासशील देश या अर्ध विकासशील देश, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि जितना अधिक होगा प्रति व्यक्ति आय वो विकसित देश के अंदर आएगा, ठीक है। तो किस में आएगा, आपका सही आंसर क्या होगा, विकसित देश, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन जो करने वाला है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है, उसके द्वारा आकलन किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है तो ए में नहीं है राष्ट्रीय प्रदर्शित संगठन है, बट बी में देखिए कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखिए आगे, कि निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एक स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक स्तर और जीवन प्रत्याशा। तो आपको कमेंट करना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो बता दें कि इसका जो है आपके रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे वो होगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। देखिए जिस देश की प्रति व्यक्ति आय हाई है वहाँ के लोगों की रहन सहन, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय निम्न है वहाँ के लोगों के रहन सहन, आप देख सकते हैं कि बहुत आसमान ज़मीन के अंतर होते हैं। देश की छोड़िए, घर गाँव में, घर में ही देख लीजिए कि अगर जिस व्यक्ति के यहाँ प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं या उसके घर में जितने भी जन हैं उनका आय जो आय का स्रोत है अधिक है तो उसका रहन सहन अलग होगा, और जिस घर में आय स्रोत कम होगा उसका रहन सहन अलग हो जाता होगा। तो इसका सही आंसर आप समझ गए कि इसका प्रति व्यक्ति आय ही होगा। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मानव विकास का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास, जीवन स्तर में सुधार, आय में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास जो है उनका मुख्य उद्देश्य जो होता है, ठीक है, वो होता है जीवन स्तर में सुधार करना, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, मानव क्रिया या फिर आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, उपयुक्त सभी। तो बताइए देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है। तो बता दें कि देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान आर्थिक क्रिया की होती है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कि मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है। तो आप जानते ही हैं कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सन, ठीक है, तो HDI होगा, ठीक है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंडेक्सन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो HDI दिया हुआ है। तो आप ये VVI प्रश्न मान लीजिए कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है, या फिर वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सन,
तो आप समझ जाइएगा कि HDI ही होगा, HDF नहीं होगा, HFC नहीं होगा, UNO नहीं होगा, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B ही होगा। ठीक है, चलो आगे आओ कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या थी। तो मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जन्म के समय संभावित आयु क्या होती थी, वो होता था 68.8 वर्ष। ठीक है, 2018 के अनुसार, बट अभी तो घट गया होगा आई थिंक, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये तो आपका जन्म के समय संभावित आयु जो होगा, इसलिए 68.8 वर्ष था। ठीक है, इसीलिए वृद्धा पेंशन जो है 60 वर्ष के बाद लागू किया जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, कितने क्षेत्र में, 3 क्षेत्र में बांटा गया। आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र की, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के उपयुक्त सभी। तो बता दें कि छिपी हुई बेरोजगारी जो है अधिकतर कृषि क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अध्यापक वर्ग किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जैसे कि एक टीचर हम हैं, तो हम किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आप सभी को बताते चले कि असंगठित, तृतीयक, प्राथमिक और द्वितीयक। तो बता दें कि अध्यापक वर्ग जो क्षेत्र संबंधित है वो होगा आपका तृतीयक क्षेत्र से। ठीक है, किससे होगा, तृतीयक क्षेत्र से होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र क्यों होगा, तो क्योंकि ये लास्ट वाला है। ठीक है, ये किसी को प्रोवाइड कुछ करवा रहा है। किस कार्य क्षेत्र में श्रमिक कार्य सुरक्षा का आनंद उठाते हैं। तो प्राथमिक, संगठित, गैर संगठित और उपयुक्त सभी। तो बताते चलें कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि किस तो जो आनंदन उठाते हैं तो वो संगठित क्षेत्र होते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे आइए। दिया हुआ है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर भी विभाजित होते हैं। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो हो है बंटवारा किया जाता है, वो किस आधार पर किया जाता है। तो रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों के स्वाभाविक, उद्योगों का स्वामित्व और उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो बता दें कि उद्यमों का स्वामित्व जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि साथियों अभी तक सभी प्रश्न को आप नोट कर लिए होंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत VVI होने वाला है, तो आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे आइए। और साथियों अभी तक जे गाइड विद एडम सर को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाइए। क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो बताइए, एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र में आता है, मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया से वो बन रहा है। कोई भी वस्तु अधिकांश तौर पर प्रकृति के द्वारा बनाया जा रहा है, तो वो किस क्षेत्र के अंदर में आएंगे। तो बता दें जो प्रकृति के द्वारा बनाया जा रहा है वो तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है कि भारत में खाली स्थान है, इसको भरना है, संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो भारत में जो है बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि साथियों ये सभी प्रश्न को आप अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, और अगर आप के लिए अगर ये फायदा हो तो आप वीडियो को फटाक से पहले लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना ना भूलें, उन्हें भी बताइए कि उन्हें भी ये क्लियर कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।